हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि इग्नू में जो है आपको असाइनमेंट सबमिशन किस लिंक के ऊपर करने हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीजनल सेंटर के अलग अलग लिंक है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं बता दूंगा कि किस रीजनल सेंटर को और आपको कैसे करना है। कहीं पे ऑफलाइन है, कहीं पे ऑनलाइन है, कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन ले रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको आपके रीजनल सेंटर के बारे में पूरा इसमें आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इग्नू के अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहे, क्योंकि यहीं पे पता चलता है कि आपको इग्नू के अंदर जो भी कुछ चेंजमेंट होता है वो आपको सबसे पहले पता चलता है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप अपने कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले नोएडा रीजनल सेंटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि आपको किस तरीके से अपने असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन करने हैं। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वो लास्ट सजेशन में मैं इस एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये नोएडा रीजनल सेंटर ने जो है अपने असाइनमेंट फुल्ली ऑनलाइन लिया है, कोई भी ऑफलाइन नहीं जमा करेगा। जैसे इस डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो इनका बताया है कि फर्स्ट पेज में किस तरीके से होगा, है ना, नाम किस तरीके से रखना, गूगल फॉर्म में किस तरीके से आपको अपने कोड का अपलोड करना है, तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आप जो है जितने भी नोएडा रीजनल सेंटर के हैं वो सभी जो है ऑनलाइन जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है दिल्ली वन रीजनल सेंटर का। ये मेरे पास कमेंट्स आया था कि दिल्ली वन के बारे में बताइए, तो दिसंबर सेशन का जो है आपको जब गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसमें अंदर पूरी गाइडलाइन मिल जाएंगी। यहाँ पे दिल्ली रीजनल सेंटर के अलग अलग जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताया गया दिया है कि आपको अपना जो असाइनमेंट सबमिशन है वो एक ही तरीके से करना है, या तो ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन कर लो। किसी किसी सेंटर पर अगर दोनों तरीके से हो रहे हैं तो ये नहीं कि आप दोनों तरीके से जमा करो, तो एक ही ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन जमा करो, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन जमा करना। जैसे यहाँ मथुरा रोड वाला जो है 0700 पे उन्होंने गूगल फॉर्म दे दिया, तो आप गूगल फॉर्म से उसके ऊपर जमा कर देना। सेम सभी जो है रीजनल सेंटर, जैसे 0710 कालका जी है, जामिया नगर वाला है, तो और साई फोर्ट रोड है, गूगल फॉर्म दिया है, लेकिन चाणक्यपुरी वाले ने हार्ड कॉपी मांगा है। आप संडे को 10 से 2 बजे तक आप वहाँ पे अपने जमा कर सकते हैं। सभी ने फिर गूगल फॉर्म दिया है, लेकिन जामिया नगर वाला 0735 वाला जो सेंटर है उस पे भी सबमिट ऑफलाइन हार्ड कॉपी जमा करना आपको 10 बजे से 1 बजे के बीच में संडे में। ठीक, सेम ऐसे ही जो है शेख सराय वाले में भी आपको हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे जमा करना है, और आपको मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जमा कर सकते हैं 10 से लेकर 4:30 बजे के बीच में। ओनली बीएड प्रोग्राम है वहाँ पे। इसी तरीके से बाकी जितने भी है, ओखला है, ये सब है, और ये फरीदा वाला 1007 जो है वो हार्ड कॉपी ले रहा है 10 से 2 के बीच में संडे को, और 1042 फरीदाबाद जो स्टडी सेंटर है वो भी हार्ड कॉपी ले रहा है, 0103 जो है वो भी हार्ड कॉपी ले रहा है। बाकी सभी ने अपना गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना, और ये 07162 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया वो भी ऑफलाइन ले रहा है हार्ड कॉपी के लिए। उसने टाइम दिया है मंडे टू फ्राइडे 10 to 4:30 PM। इसी तरीके से फरीदाबाद ओनली जो जेलमेट्स हैं उनका अलग है, वो भी हार्ड कॉपी उनको जमा करना है। ठीक है, तो ये थे दिल्ली वन रीजनल सेंटर के बारे में। आप इसकी गाइडलाइन पूरी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो दिल्ली टू रीजनल सेंटर की बात करेंगे। तो जैसे ही इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे आप पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने देखो सभी ने जो है 30 सितंबर लिखा हुआ है, जिसके आधार पर मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है 30 सितंबर तक अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये आप जो है इसको 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफिशियल कोई बताया नहीं है, ये डेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, 31 तक आप आसानी से जमा कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे कुछ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो स्टडी सेंटर होते हैं वो सिर्फ संडे को ही लेते हैं, तो ये ना हो कि आपका संडे निकल जाए, आप सोचो 31 तक जमा कर सकता हूँ और वो संडे को लेते हैं तो फिर आपके असाइनमेंट जमा नहीं होंगे। तो अपना जो है पूरा चेक कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है पूरा अपना नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें और अपना अप्लाई भी कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी इशू नहीं होगा। पिछली बार भी ऐसे ही इशू आए थे, लास्ट डेट में स्टूडेंट गए तो उन्होंने बोला कि स्टडी सेंटर बंद है और आप जो है संडे को ही लेते हैं ओनली, तो फिर आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो आप ऐसा नहीं करना, अपना संडे का भी ध्यान रखना कि अगर संडे को खुलता है, अगर मंडे टू फ्राइडे कभी भी जमा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें पूरा दिया है 30 सितंबर तक हैंड रिटिन होना चाहिए, फर्स्ट पेज में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, और इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला है डेली, कौन सा है ये जो है आपका है, इससे जस्ट पहले लग पता चल जाएगा। डेली टू वालों ने एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला है कि आपके हर एक पेज पे साइन होना चाहिए।
ईच पेज ऑफ असाइनमेंट विच बी साइन बाय द स्टूडेंट आइदर द टॉप या बॉटम में साइन करना है स्कैन करने से पहले, ठीक है, इस चीज़ को आपको देख लेना है। उसके बाद ये कैम स्कैनर से स्कैन करना है, ये पूरी आप गाइडलाइन और नाम कैसे रखना वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेली टू की जो है आपको इसमें ईमेल आईडी भी दिया है आपको, कुछ को ईमेल आईडी या कुछ को बाय हैंड पे भी आप जमा कर सकते हैं, जैसे 0708। तो ये जो इग्नू स्टडी सेंटर है रोहिणी वाला, आप यहाँ पे बाय हैंड या ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। बाकी जो है आप देख सकते हैं जो ये 0712 वाला है विवेक विहार वाला कॉलेज, विवेकानंद महिला कॉलेज, वहाँ पर हर एक कोर्स के लिए अलग से गूगल फॉर्म दिया है, आप उस पर कर सकते। जो 0725 वाला है ये, तो इसमें मेडिकल कॉलेज, इसमें उन्होंने ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी बाय हैंड, ईमेल आईडी बाय हैंड, और कुछ ने गूगल फॉर्म दिया है। तो आप जो है इसको अपने को इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, गूगल फॉर्म है, बाय हैंड है, मेल आईडी दिया है ना, मेल आईडी मैक्सिमम है इसमें, और बाय हैंड दिया है, गूगल फॉर्म भी दिए हैं कुछ ने, कुछ जो स्टडी सेंटर है। तो आपको देखना है कि आपका स्टडी सेंटर किस तरीके से ले रहा है, जैसे जो 029053 ये जो है SSSK हॉस्पिटल, तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है इस तरीके से, गूगल फॉर्म दिया है, बाय हैंड या बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, जैसे ये बवाना वाला है, डेली बवाना वाला, ठीक। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था, आप डेली थ्री के बारे में बात करते हैं, डेली थ्री में भी सेम ऐसे ही दिया है उन्होंने, नोटिफिकेशन दिया है कि 30/9 से पहले आपको जमा करना है, डेट आगे बढ़ गई है। तो रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे आपको नहीं भेजना है, आपको मल्टीपल को भी जो है वो नहीं सबमिट करनी है, एक ही बार ही सबमिट करना है। और जो आप पीडीएफ बनाओगे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप कोई पासवर्ड डाल दो या कुछ डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, एनरोलमेंटर नाम, प्रोग्राम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बात लिखी हुई है। तो डेली थ्री रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म दिए हैं हर एक कॉलेज के अलग अलग, देखो ये गूगल फॉर्म है, सभी के गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आप उस पर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गूगल फॉर्म को निकाल सकते हैं और अपने गूगल फॉर्म जो है इस पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ कॉलेज के जो स्टडी सेंटर हैं उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो जहाँ पर आपको शिफ्ट किया गया है उसी कॉलेज में आपको अपने असाइनमेंट जो है गूगल फॉर्म पर सबमिट करना है। उसके बाद हम ये रीजनल सेंटर आपका जोधपुर का मैं दिखा दे रहा हूँ, जोधपुर का रीजनल सेंटर का जो ये लिंक है इस पर जब आप क्लिक करोगे दिसंबर वाले पे, तो इस तरीके से आपकी जो है पूरी पोर्टल खुल के आ जाएगी। इसमें पूरा बताया हुआ है कि लर्नर को आपको ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है, कैसे सबमिट करना है गूगल फॉर्म को, वो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। और पूरी अपनी जो नोटिफिकेशन है सेम वो अच्छे से देख लेना है। इसी तरीके से जो है ये जो है पूना रीजनल सेंटर का दिखाया गया है, यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबमिशन स्कैन कॉपी हैंड रिटन जो है भेजना है, डोंट सबमिट, ये लिखा है डू नॉट रीसबमिट, दोबारा सबमिट कर नहीं करना है जो आपने एक बार अपलोड कर दिया रीजनल सेंटर पे बाय पोस्ट या कुछ भी, ठीक है। तो असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, फोर साइज पेपर के ऊपर होने चाहिए, फर्स्ट पेज में पूरी डिटेल होनी चाहिए। फर्स्ट पेज में डिटेल होने के बाद आपको फाइल का नाम किस तरीके से लिखना है वो पूरा इसमें आप देख लेना, और उसके बाद अपने गूगल फॉर्म के ऊपर अपलोड करने के लिए हाँ सबमिट फॉर असाइनमेंट ऑनलाइन पे जाओगे तो ऑनलाइन पे आपको सबमिट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम जो है इस स्टडी से रीजनल सेंटर है वो ऑनलाइन असाइनमेंट को ले रहे हैं, आप जो है ऑनलाइन असाइनमेंट को सबमिट करना है। लेकिन कुछ स्टडी सेंटर हर एक रीजनल सेंटर के अंदर वो ऑफलाइन भी ले रहे हैं, बोले हार्ड कॉपी आप जमा कर दो। तो आप अपने कॉलेज और अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से आप गलती नहीं करना है। जैसे नोएडा रीजनल सेंटर ने तो ये बोला है कि आपको ओनली जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इस तरीके से आपको आप समझ गए होंगे, और एक वीडियो है कि आपको गूगल फॉर्म पे किस तरीके से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, वो मैं सजेशन एंड स्क्रीन में डाल दूंगा वीडियो को, उसको देख को आप अपना अपलोड कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप MBA या किसी और चीज़ से रिलेटेड है और आपको असाइनमेंट की कोई भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।